श्री राधे। आइए आज हम दूसरा कुछ शिक्षा देंगे, कोमल स्वर आप कैसे प्रयोग करेंगे आपका बांसुरी में। जैसा मान लिया जाए धा कोमल धैवत कोमल रेशव तीव्रोमा, ये तीनों हम आज शिक्षा देंगे। तो तीव्रोमा बहुत सारे बांसुरी में तीव्रोमा परफेक्ट नहीं आते, जैसा मैं बांसुरी बजाय शिक्षा लेने से पहले बहुत सारे बांसुरी मैंने दूसरे दूसरे के पास खरीद लिया। अभी भी है मेरे पास बहुत सारे बांसुरी पड़ा हुआ है। नी बराबर नहीं है, गा बराबर नहीं है, तीव्रो मध्यम तो छोड़ दो, पंचम भी बराबर नहीं है, लेकिन परफेक्ट स्केल में बांसुरी बहुत मुश्किल है। 4 साल बांस को सीजन करना पड़ेगा, बांस काट के 3-4 महीना पानी में भिगा के रखना पड़ेगा, पानी में उबालना पड़ेगा, फिर उसको सुखाना पड़ेगा, धूप में नहीं घर में रह के उसको सुखाना पड़ेगा, फिर 4 साल के बाद एक बांसुरी तैयार किया जाता है इस प्रकार। आज 4-5 दिन 1-2-3 महीना हो गया बांसुरी बना दिया, वो बांसुरी ट्यूनिंग में बराबर नहीं रहेगा। और बांस का क्वालिटी बेम्बू भी अच्छा होना चाहिए, पक्का ओरिजिनल। एक बांस बेम्बू का बांस पूरा अच्छा बनाने के लिए बांस को 1.5 साल झाड़ में रखना पड़ेगा। 1.5 साल झाड़ में रखने के बाद वो बांस उसको कटिंग करके लिया जाते हैं, फिर 4 साल के बाद बांसुरी बनाया जाता है, वो बांसुरी सीजन प्रूफ होता है, उसमें ट्यूनिंग गड़बड़ी नहीं होता है। और जिसको ट्यून करने आते नहीं उनका बात अलग बात है, लेकिन हमारे बांसुरी सुनिए एफ बेस्ट फ्लूट है, रे कोमल तीव्र मध्यम और धैवत कोमल। स्वर को आप कैसे प्रयोग करेंगे, जैसा उंगली में इसको उंगली को यहां से कोमल स्वर का प्रयोग कर सकते हैं, यहां इजी आराम से हो जाएगा। आइए भजन ठेका में कोमल स्वर को बजा रहे हैं। Thank you.
कोमल नोट को आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। विदाउट प्रैक्टिस में कोमल नोट बजाना बहुत मुश्किल है, ठीक है? फिर दिखा रहा हूँ।